हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में हम 10 इजी लेकिन इम्पोर्टेंट हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन का टेस्ट करेंगे। हर हिंदी सेंटेंस का 2 या 3 इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑप्शन होगा, जिनमें से आपको करेक्ट सेंटेंस चूज करना है, जिसके लिए आपको मिलेंगे 5 सेकेंड का समय। लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला है, वह एक विद्यार्थी है। ऑप्शन ए, ही इज अ स्टूडेंट। ऑप्शन बी, दैट इज अ स्टूडेंट। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज अ स्टूडेंट। जहाँ पे इशारा करके बताया जाए वहाँ पर वह के लिए प्रयोग होगा दैट का। नेक्स्ट है, दूध मीठा है। ऑप्शन ए, मिल्क इज स्वीट। ऑप्शन बी, द मिल्क इज स्वीट। करेक्ट ऑप्शन है द मिल्क इज स्वीट। मिल्क इज स्वीट का मतलब है दूध मीठा होता है। दूध मीठा है तो इसका होगा द मिल्क इज स्वीट, क्योंकि किसी खास दूध की बात हो रही है। नेक्स्ट है, राम की किताब। ऑप्शन ए, द बुक ऑफ राम। ऑप्शन बी, राम्स बुक। ऑप्शन सी, ए एंड बी बोथ। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, आप इसको दोनों ही तरह से बोल सकते हैं। नेक्स्ट है, वह लड़का कितना बहादुर है। ऑप्शन ए, हाउ ब्रेव इज दिस बॉय। ऑप्शन बी, हाउ मेनी ब्रेव इज दिस बॉय। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, हाउ ब्रेव इज दिस बॉय, क्योंकि कितना बहादुर, कितना लंबा चौड़ा के लिए प्रयोग करेंगे केवल हाउ का। दो लड़के हैं। ऑप्शन ए, टू आर बॉयज। ऑप्शन बी, देयर आर टू बॉयज। करेक्ट ऑप्शन है देयर आर टू बॉयज। आपको वहां अवश्य जाना चाहिए। ऑप्शन ए, यू शुड गो देयर। ऑप्शन बी, यू मस्ट गो देयर। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यू मस्ट गो देयर। नेक्स्ट, अंग्रेजी सीखना आसान है। ऑप्शन ए, टू लर्न इंग्लिश इज ईजी। ऑप्शन बी, लर्निंग इंग्लिश इज ईजी। ऑप्शन सी, इट इज ईजी टू लर्न इंग्लिश। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। आप इसको तीनों ही तरह से बोल सकते हैं। मुझे रोज जाना पड़ रहा है। ऑप्शन ए, आई एम गोइंग एवरी डे। ऑप्शन बी, आई एम हैविंग टू गो एवरी डे। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, आई एम हैविंग टू गो एवरी डे। नेक्स्ट, मैं देखता रह गया। ऑप्शन ए, आई एम टिल वॉचिंग। ऑप्शन बी, आई केप्ट वॉचिंग। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, आई केप्ट वॉचिंग। मैं देखता रह गया, आई केप्ट वॉचिंग। नेक्स्ट, मैं फिर कभी आऊँगा। ऑप्शन ए, आई विल कम सम अदर टाइम। ऑप्शन बी, आई विल कम लेटर। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, आई विल कम सम अदर टाइम। आई विल कम लेटर का मतलब है मैं बाद में आऊँगा, मैं फिर कभी आऊँगा, आई विल कम सम अदर टाइम। दोस्तों, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपने 10 में से कितने सेंटेंस का जवाब सही दिया।